एक्चुअली काफ़ी समय बाद बुलाई गई है। पहले तो हम राजस्थान में एनुलम में राजस्थान में नंबर वन आए हैं। जो हमारी एक संस्था एनुलम चल रही है वो राजस्थान में नंबर वन में चली है और उसका अवार्ड हमको मिला है बाड़मेर को। आप रैंकिंग में भले कौन से नंबर पे आ गए लेकिन पार्षद तो और संतुष्ट है। आजकल कलेक्टर से मिले थे और बताया ये जा रहा है कि नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार से लगा के हर वो मुद्दा पार्षद उठ रहा है। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने कई मुद्दे लिए हैं और काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे विकास के कार्य में आज के समय में विकास शाखा में एक पेंडेंसी हमारी कोई फाइल पेंडिंग नहीं चल रही है। करीबन हमने 4.5 करोड़ के जो टेंडर 3-4 दिन पहले लगे, 4 करोड़ के अभी लगे, 30 तारीख को 2 करोड़ के लग रहे हैं। विकास कार्यों में हमारी कहीं भी गति में कोई कमी नहीं रही है। विकास कार्य हम जहाँ जहाँ रोडें जिस स्थिति में मैं आया था उस स्थिति को देखते हुए बाड़मेर शहर में पूरी झंझर रोडें थी, RUDP का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग का कार्य चल रहा था। इस स्थिति को देखते हुए जहाँ हो सके मैंने अपने संभव में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराने में सहभागिता निभाई है और शहर के हिसाब से और जितने भी शहर की समस्या उसको समाधान शीघ्र करने की कार्रवाई मैं करता हूँ। ऐसा है कि इस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ इनको, वो तो एक्चुअली हमारा बोर्ड होते हुए हमारे बोर्ड के पार्षद भी इस तरह की अगर कार्रवाई करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। जब विपक्ष संतुष्ट है और विपक्ष के साथ अगर हमारा बोर्ड कहता है कि हम संतुष्ट नहीं है, उनको पूछो कि आपके वार्ड में कौन कौन से वार्ड में कार्य नहीं, जो संतुष्ट नहीं है उनको पूछो कि अपने वार्ड में कितने कार्य हुए और इतने कार्य मैंने किए हैं। जहाँ जहाँ CC रोडें नहीं थी मैंने एक एक जगह देख के CC रोडें की हैं और आज भी सरकार से, जब हमारी सरकार नहीं है, हमारा बोर्ड यहाँ चल रहा है, सरकार BJP राजस्थान सरकार BJP की चल रही है, फिर भी हमारे यहाँ क्या क्या समस्या, हमारी इतनी समस्या है कि हर 1-2 महीने आयुक्त चेंज हो जाता है। आज इस समस्या का हम मतलब संघर्ष करते हुए भी शहर का विकास में कोई कमी नहीं रखी। विकास जहाँ 4 साल से आप पट्टे की बात कर रहे हो, सरकार ने पट्टों के लिए हमने करीब जो पट्टे बनने थे इन्होंने हमको कहा कि 27 पट्टे 436 पट्टे बने और वो चले गए और उसके बाद भी जो पट्टे है प्रतिक्रिया जो भी आयुक्त, देखो आज समस्या हर महीने में आयुक्त चेंज हो रहा है तो पट्टों की प्रतिक्रिया करने में 2-3 महीने हर आदमी को चेंज लगता है, वो आता है उससे पहले उसकी ट्रांसफर हो रही है काफ़ी समय से। आज श्रवण बिश्नोई के बाद, जब श्रवण बिश्नोई ने चालू किए पट्टे उसके बाद आज तक हमारी समस्या चल रही है। आयुक्त हर बार चेंज हो रहा है, 1-1.5 महीना 2 महीना में उस समस्या का समाधान करने के लिए, हालांकि मैं ये आयुक्त आए इनकी भी ट्रांसफर हो चुकी थी, वापस इनको यहाँ का ऑर्डर मिला है, अब मैंने इनको क्लियर कह दिया है कि अपने पट्टे चालू करने हैं। ये एक्चुअली तो मैं इनके बारे में, अब इनको कोई समस्या है तो मेरे पास आए और समस्या का समाधान हो सके। अब इनकी पीड़ा क्या है ये खुद समझ सके, इनकी पीड़ा का इनको समझना है। अगर विकास कार्य है, देखो जब पार्षद बन के आता है जनता चुन के भेजती है, चाहे मेरे को भेजा और चाहे पार्षदों को भेजा है, जनता चुन के भेजती है, उस वार्ड का कार्य होना चाहिए। पहले तो नाली, सफाई और रोड, ये 3 और मूलभूत सुविधा बिजली, ये 4 व्यवस्थाओं में वार्डों को अगर ध्यान दिया जाए और पार्षद खुद अगर ध्यान दे तो अपने अपने वार्ड में इतना बढ़िया काम करा सकते हैं। उसका इनको खुद को ध्यान देना चाहिए और मैं भी, मेरे वार्ड में भी है सबसे काम, आप कह रहे हो सबसे काम, मतलब जितना काम था, मेरा वार्ड छोटा तो काम भी मेरा कम हुआ, फिर भी नहीं, हमने जहाँ जहाँ कच्ची बस्तियाँ थी वहाँ भी खूब, मैं कह रहा हूँ पुराना केंद्र सरकार मेरी थी कांग्रेस की थी और राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, वो कांग्रेस का था, जहाँ जहाँ 15 साल से रोडे नहीं थी, जहाँ जहाँ रेत के टीले थे उसकी जगह आप जाके देखो 15 नंबर 31 नंबर ऐसे ऐसी रोडे बनाई, जाके देखो आज की व्यवस्था क्या कर दी हमने। लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए कि आवारा पशुओं की भी बात इन्होंने रखी, गंदगी शहर में बिखरी पड़ी उसकी बात भी रखी, कहीं ना कहीं देखते हुए ये समस्या तो सामने आती। गंदगी के बारे में देखो अभी 2 तारीख के बाद सफाई व्यवस्था बिगड़ी है, इस मामले में मैं भी कह रहा हूँ बिगड़ी, और मैंने आयुक्त साहब को आज भी सख्त कह दिया। कुछ हमारे ट्रैक्टर के जो थे कुछ यहाँ के जो ठेकेदार है उन्होंने अपना ट्रैक्टर हटा दिए या कुछ समस्या आई, उसके कारण मैंने आयुक्त साहब को आज भी कह दिया शहर की व्यवस्था कुछ सफाई व्यवस्था में कार्य मैं भी कह रहा हूँ बिगड़ी हुई है, उसको जल्द से जल्द में सफाई व्यवस्था पे हम लग गए हैं और सफाई व्यवस्था शीघ्र ही। कोतवाली थाने के पीछे एक आपका जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर लगातार पुलिस के कैंप बनते हैं कभी उनके ऊपर। 5 मिनट बाद क्या हुआ? 5 मिनट कॉन्फ्रेंस चल रही है, 5 मिनट में मैं आपको।
हम तो डिबेट करने आए, डिबेट करो ना, बने करो ना, आप जो कह रहे हो आप भी जनता के प्रति, जनता की हो हम भी पढ़ते हैं, करो करो करो, आप अपना डिबेट फिर आओ ना, मना कर मना कर रहे हैं आप सकते हैं अपना घर नहीं, मेरे को क्या मामला बना के रखा है, क्या हुआ मामला, क्या मामला नहीं, हम तुम्हारे खड़े रह गए तो उसमें कह रहे आप आ जाइए, ये क्या तो 5 मिनट में हमारी डिबेट चल रही है, आप बेटा हमने बोला है आपने कहा मना कर दिया, मना नहीं कर सकते, हम बिराजेंगे नहीं, हम तो खड़े, आप मना नहीं कर सकते, आप दीजिए, आप अपना भाई दीजिए, हम खड़े, आप दीजिए इनके भाई दीजिए, सर साहब हमने तो ये 10 मुद्दे उठाए हैं, कि 10 मुद्दों के ऊपर आपसे हम डिबेट करना चाहते हैं, आप जवाब दे दीजिए, तो हमने वो लाइव सुना तब हम आए, हमने आप तो कह रहे थे कि मैंने रेत के किलो पे रोड बना दी है, ठीक है सही ना, क्योंकि हम तो यही चले, अभी चले, ये इतना बड़ा है, अभी चले, हां इतना बनाया कितना नहीं किया, अभी चले, हां चलो चलो पता कर लो, चल चलो चलो देख लेते कितना जल्दी क्या दूध और पानी खाने का, पानी 80 लाख रुपए का लगा हुआ है, किसके आपके बारे में 15 नंबर में, मैंने तो देखा 80 बाकी क्या हमने दिया, एक बार में का काम करा दिया हुआ है, आपके कहने से आप फाइल नंबर काम भी पार्षद है, जनता ने भेजा है, आप यहाँ जनता ने भेजा, जनता ने भेजा, हम तो अपने वार्ड की समस्या लेकर आए थे, ना कि आपकी समस्या सुनने, इसमें तो जवाब दे रहा हूं, आप तो अंदर आए थे, उससे पहले आपने सीधा मना कर दिया, एक बात है, 5 मिनट तो डिबेट चल रही है, आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करो, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस।